एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता क्या फिर से करने जा रहे हैं बॉलीवुड में कमबैक? आइए करते हैं बात। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। दोस्तों, एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की बात करें तो साल 2018 में उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने मी टू का एलिगेशन लगाया था नाना पाटेकर पे। अब बात करें साल 2021 की तो तनुश्री दत्ता ने अपने एक इंटरव्यू में किया है रिवील कि वो जल्द ही बॉलीवुड में करने जा रहे हैं कमबैक। उनके अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनका कहना यह है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ के ऑफर आए हैं और उनके पास साउथ और बॉलीवुड के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं और जल्द ही वो आपको किसी बॉलीवुड की मूवी में नजर आएंगी। अगर हम बात करें तनुश्री दत्ता की तो उनका कहना ये है कि उनको हॉलीवुड की भी काफी मूवीज के ऑफर्स आए हैं लेकिन अभी वो बॉलीवुड में ही काम करना चाहती हैं। इन फ्यूचर अगर उनको लगेगा कि वो कंफर्टेबल हैं हॉलीवुड में जाने के लिए फिर ही वो हॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट करेंगी। अगर हम तनुश्री दत्ता की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो गए हैं उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन से और लोग उनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि तनुश्री दत्ता किस मूवी में और किसके ऑपोजिट आती हैं नज़र। अगर हम तनुश्री दत्ता के करियर की बात करें तो साल 2004 में जब उन्होंने मिस इंडिया जीता था तो उसी के एक साल के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया था फिल्म चॉकलेट में। तो अब देखना यही बाकी है कि किस मूवी में आती है तनुश्री दत्ता नजर। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है तनुश्री दत्ता पे, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।